गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से 10,000 की मदद दी जाएगी। इसके माध्यम से वह अपना रोजगार कर सकेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला प्रबंधक अनुगम लखनऊ मनोज शुक्ला ने बताया कि निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं के लिए आवेदन मांगे गए हैं। स्वतः रोजगार योजना, इस योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति के बेरोजगार और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उद्योग, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर निगम द्वारा परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी ऋण 4% वार्षिक ब्याज दर के रूप में और अधिकतम 10,000 अनुदान मिलेगा। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, इस योजना में जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जिनके पास दुकान निर्माण हेतु 13.32 वर्ग मीटर के स्थल का भूमि स्वामित्व उनके पक्ष में हो, आवेदन करने के पात्र होंगे। इसकी परियोजना लागत 78,000 रुपए है, जिसमें 10,000 अनुदान मिलेगा और शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। 10 वर्षों के अंदर पैसा जमा करना होगा। लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना, इस योजना अंतर्गत धोबी समाज के लोगों को लॉन्ड्री संचालित करने के लिए 2,16,000 और 1,00,000 की परियोजना संचालित है। दोनों प्रकार की परियोजनाओं के लिए 10,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। दोनों के लिए क्रमशः 2,06,000 एवं दोनों के लिए क्रमशः 60 मासिक किश्तों में लोन अदा करना होगा। टेलरिंग शॉप योजना, इस योजना में जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को टेलरिंग शॉप हेतु 20,000 रुपए की परियोजना उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें 10,000 रुपए अनुदान मिलता है। लोन की अदायगी 36 समान मासिक किश्तों में की जाती है।